इस समय मौजूद हूँ वेदवाला गांव के अंदर, और वेदवाला गांव का मेरे साथ आप एक पेट्रोल पंप देख रहे हैं, और इसी के साथ एक ताऊ जी हैं जो कि साइकिल चलाकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल ताऊ जी। थारो नाम के है? सतनाम चंद। सतनाम चंद ताऊ जी मेरे साथ हैं, आइए इनसे हम पूरी चुनावी चर्चा करते हैं। ताऊ जी, 10 साल में हमारे बीजेपी की सरकार रही, आपके गांव में कोई काम वाम हुए हैं या नहीं? काम हुए हैं। अच्छा, अच्छे काम हुए? क्या क्या काम हुए? सारे काम हुए, सारा चार चफेरा बन गया, सही रुख लग गए। और तो इस बार, पिछली बार यहाँ से कांग्रेस जीती, इस बार कमल का फूल खिल पाएगा? खिल पाएगा, हैट्रिक बन पाएगी। हाँ। ताऊ जी देख रहे हैं मेरे साथ, सतनाम सिंह जी हैं, जो कह रहे हैं कि वेदवाला गांव के अंदर इस बार कमल का फूल खिलेगा। खिलेगा। और एक और देख सकते हैं कि ये भी थे मोटरसाइकिल पे लेकिन रुक गए थे जी। आपका नाम जानना चाहूंगा भाई साहब। पल्ला सिंह जी। पल्ला सिंह जी हैं। पल्ला सिंह जी, आप वेदवाला गांव से? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार यहाँ गाँव के अंदर कैसा माहौल रहेगा? माहौल तो बीजेपी का रहना चाहिए जी। बीजेपी का रहना चाहिए। हाँ जी, जी। बीजेपी इतनी पसंद क्यों है जी आपको? हमारे गांव में लगभग ही काम हुए हैं, कोई एक आधा छोड़ के। अब दो दो तो अस्पताल बन गए जी। जी। दो अस्पताल बन गए, एक आयुष बन गया, तीन अस्पताल हो गए, भैंसों वाला अस्पताल बन गया, सड़कें दो दो बार बन गई, वाटर बक्स दो चल रहे हैं, बिजली 24 घंटे आ रही है। हाँ जी जी जी। तो बिल्कुल आप खुश हो? हम बिल्कुल खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं। अनाज मिल रहा है 5-5 किलो सभी को, 40% मिलना चाहिए, 80% लोगों को अनाज मिल रहा है, 5-5 किलो, दो लीटर की तेल की बोतल मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है जी यहाँ जी। हाँ। तो आप मेरे साथ देख रहे थे, हम वेदवाला गांव के अंदर पहुंच गए हैं, और लगातार हमारी वेदवाला गांव के अंदर लोगों के साथ पूरी चुनावी चर्चा चल रही है। एक और देखेंगे कि भाई साहब हैं और उनके साथ एक और हमारे को शख्स नज़र आ रहे हैं, माता जी हमारे को आगे नज़र आएंगी, पूरी चुनावी चर्चा करने चाहेंगे, कसरत करना चाहेंगे। वीर जी राम राम। राम राम जी। और जी ठीक है? वेदवाला गांव से ही जी? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सिकंदरपुर गांव। सिकंदरपुर गांव से हैं भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे, इस बार बीजेपी की सरकार बन पाएगी जी? कुछ नहीं कह सकते जी, पक्का। अजी पक्का कुछ ही नहीं कह सकते, फिर भी माहौल की है, तुहाडे गांव विच माहौल केड़ा बने हुआ है? माहौल बराबर ही है, चल रहा है माहौल बराबर। कांटे दी टक्कर? हाँ, कांटा तो उधर रह गया ना, शहर शहर नहीं। आपके यहाँ कालवाली में कांटे की टक्कर, मतलब पूरा ऐसे रस्सा कस्सी वाले? हाँ। पूरी फाइट रहेगी? पूरी फाइट टू फाइट रहेगी। मेरे साथ मिले थे भाई साहब, और भी लगातार हमारी लोगों के साथ चर्चाएं चल रही है, बातें चल रही है। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं, वेदवाला गांव में हमारी चुनावी यात्रा पहुंची हुई है, और लगातार हम लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनकी मन की भावनाएं क्या कहती हैं। मैं मौजूद हूं फतेहपुर वेदवाला गांव के अंदर, और आप मेरे साथ वट वृक्ष के नीचे देख रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं और इन्हीं के साथ एक युवा साथी भी बैठे हैं। तो आइए हम पूरी चुनावी कसरत करने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, 10 साल के अंदर आपके गांव में कुछ बीजेपी के द्वारा काम वाम हुए हैं या नहीं? वाद हुआ ना जी। तो आइए चर्चा करते हैं, हमारे साथ एक और किसान पुत्र नजर आ रहे हैं जी। राम राम, सत श्री अकाल। तुहाडा नाम जी? कुलविंदर सिंह जी। कुलविंदर सिंह जी, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, आपके गांव में काम वाम हुए हैं या नहीं? होए जी, होए होए जी। किन्ने काम हुए ने? बथेरे होए जी। ऐत के सरपंच बने बना देते हैं, उधर बना रहे ने अस्पताल। हाँ जी। तुहानू मोदी फिर चेहरा पसंद है? पूरा सरबा सरपंच ही जी। अच्छा। सरबा सरपंच ने पूरा किया काम। अच्छा। सरपंचा ने जड़े जड़े सरपंच बने सारे ने काम वधिया किया जी। तो इस बार कमल का फूल कालावाली में खिला दोगे? खिलूगा 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 जी। कुलविंदर सिंह जी कहते हैं कोके जड़ोगे फिर? वाहेगुरु जड़ेगा कोके जी, वाहेगुरु जड़ेगा कोके। तो कुलविंदर सिंह जी देख रहे थे, हमारे साथ एक किसान पुत्र थे जिनके साथ हमारी चर्चा हुई, और आप देख रहे हैं कि लगातार वेदवाला गांव में हमारी लोगों के साथ चुनावी चर्चा चल रही है। इस समय मौजूद हूँ गाँव फतेहपुर वेदवाला के अंदर, कालावाली विधानसभा के अंदर ये गांव आता है, और हमारी चुनावी यात्रा इस गांव में पहुंच गई है। और आइए हम इस चौपाल के ऊपर, हमारे एक बुज़ुर्ग और एक युवा साथी हैं, आइए इनसे हम पूरी चुनावी चर्चा करते हैं। ताऊ जी सत श्री अकाल। राम राम। राम राम भाई जी। आपको पता लग गया जी, इलेक्शन आ गया है, 5 अक्टूबर को अपने चुनाव हैं। अच्छा। तो बीजेपी की 10 साल से सरकार थी, कुछ काम वाम हुए हैं या नहीं आपके गाँव में? वादू 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 कम हो ना। ते सही गल ना।
काम आपके गांव में हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार आपको हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन जाएगी? बनेगी बनेगी। तो मेरे साथ युवा साथी हो रहे हैं इनसे और जानते हैं भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे। संदीप है जी। संदीप जी क्या कहेंगे, आखिर इलेक्शन का माहौल है, आपके गाँव का माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया जी, एक नंबर का माहौल है। चलो हार जीत तो देख अलग मैटर है, लेकिन जेड़ा काम बीजेपी ने किया ना वो कोई नहीं कर सकती। बिना खर्ची बिना पर्ची आज के टाइम में नौकरी मिलनी आसान बात नहीं है भाई साहब। गरीब घर का लड़का एसडीओ एक्शन लाइनमैन और भी डॉक्टर लाले मास्टर लगे हैं, आपने भी देखा होगा, लगेगा गरीब घर का लड़का बगैर खर्ची पर्ची जो पढ़ेगा वो लगेगा। ये नहीं भी है आज मेरी जेब में 10 रुपये 20 रुपये मैं उसके पास चला जाऊंगा वो मेरा काम कर देगा, वो सिस्टम नहीं रहा। अब स्टडी का इतना महत्व दे दिया, हर बच्चा पढ़ने लग गया। चर्चा करते हैं फतेहपुर वेद वाला गांव के अंदर, आप मेरे साथ देख रहे हैं एक वेल्डिंग की दुकान है और हमारे साथ इसी गाँव के एक व्यक्ति मौजूद है जी, आपका नाम जानना चाहूँगा जी। जंगीर सिंह। जगीर सिंह जी वेदवाला गांव से ही है जी। हाँ जी जी। आपके यहाँ पिछली बार कांग्रेस से विधायक थे, इस बार क्या लगता है कमल का फूल खिल पाएगा या नहीं? बिल्कुल खिलेगा जी, खिलेगा जी, खिलेगा जी, खिलेगा। तो 10 साल के अंदर बीजेपी रही सरकार के अंदर, तो काम वाम हुए आपके जी? बहुत बढ़िया हुए जी काम। अगर राजेंद्र देसू जोधा यहाँ से टिकट पे लड़ते हैं तो जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी। तो राजेंद्र देसू जोधा जी को आप जानते हैं जी? बिल्कुल जानते हैं जी। तो आप मेरे साथ देख रहे थे वेद वाला गांव के अंदर हम पूछे हुए हैं और लगातार हमारे लोगों के साथ चर्चाएं हो रही है, मेरे साथ एक युवा साथी और नज़र आ रहे हैं, तो जी नाम जानना चाहूँगा युवा भाई। सोनू जी। सोनू भाई आप युवा साथी हैं, युवा के नाते क्या लगता है कि इस बार क्या बीजेपी हरियाणा के अंदर हैट्रिक लगा पाएगी? लगा पाएगी बिल्कुल। हाँ जी। पूरा कॉन्फिडेंस है? हाँ जी हाँ जी। लगता क्यों है कि आपको हैट्रिक ला पाएगी? तो काम को अच्छे किए हुए हैं जी, इस कारण बढ़िया है सरकार, बढ़िया सरकार। तो आप वेदवाला गांव की हमारे साथ पूरी रिपोर्ट देख रहे हैं, लोगों के साथ लगातार हमारी चर्चाएं चल रही है, तो आइए आगे जाकर और हम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। और आप मेरे साथ देखेंगे कि ये जो वेल्डिंग की दुकान है, यहाँ हमारे साथ एक भाई साहब भी नज़र आ रहे हैं जो कि पंचर की दुकान चलाते हैं। भाई साहब आपके गांव में कोई चुनावी का माहौल बना है क्या? 5 अक्टूबर को हमारे इलेक्शन होने हैं। हाँ जरूर बना है जी। तो क्या उम्मीद लगती है आपको कि यहाँ से इस बार बीजेपी कमल का फूल खिला पाएगी? जी जरूर खिलेगा जी, इसलिए कि गरीबों का बोध कर रही है जी, गरीबों का हरेक दुख दुख सरकार में काम आती है, कोई भी काम होता है हरेक काम सही हो रहा है गरीबों के लिए, हरेक काम सरकार के अंदर सही हो रहा है, भाई साहब का कहना मेरा नहीं कहना। तो आइए और भी चर्चाएं करेंगे वेदवाला गांव के अंदर, आप देख सकते हैं कि कुछ यहां से लोग हैं जो कि सामान ले जाते हुए हमारे को नज़र आ रहे हैं। दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा, और आज हाजिर हरियाणा की चुनावी यात्रा कालावाली विधानसभा के फतेहपुर वेदवाला गांव के बीच में पहुंच गई है, और इस समय मैं मौजूद हूँ वेदवाला गांव के बिल्कुल बीचम बीच, जहां आप मेरे सामने देख रहे हैं दुकानें नज़र आ रही है, और इधर देखेंगे तो हमारी माताएं हमारी बहनें नज़र आ रही है। आइए इनके बीच में पहुंचकर हम उनसे चुनावी चर्चा करते हैं और इनकी चुनावी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। तो माता जी लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जी माता जी आपका राम राम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। माता जी आपका नाम जी? शीला रानी। माता जी जानना चाहूँगा 10 साल में बीजेपी की सरकार रही तो आपके गांव में काम वाम हुए हैं या कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ। तो कौन से काम नहीं हुए जो कि आप कह रहे हैं भी कुछ भी काम नहीं हुआ? कोई थोड़ा बहुत हुआ हो, पता नहीं है मेरे को, इतना मेरे को जानकारी नहीं है इतनी। तो माहौल क्या लगता है आपके इस बार यहाँ, किसकी इस बार सरकार बन पाएगी? पता नहीं मेरे को, इस बारे में नॉलेज नहीं है मेरे को। इस बारे में भी माता जी को नॉलेज नहीं है। मेरे साथ बहन नज़र आ रही है, इनसे चुनावी प्रतिक्रिया आखिर जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो आप पूरा देख रहे हैं हमारे साथ गांव का माहौल, तो आप मेरे साथ देखेंगे वेदवाला गांव के अंदर एक और हमारे को शख्स नज़र आ रहे हैं। राम राम जी। राम राम। नाम जी आपका? भोलाराम। भोलाराम जी है। भोलाराम जी आपको मालूम हो गया क्या 5 अक्टूबर को हमारे हरियाणा के चुनाव होने जा रहे हैं? हाँ जी चुनाव होने। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाएगी? हाँ जी बनेगी। क्या क्यों लगता है कि आपको बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन पाएगी? काम होती है ये जी। हाँ काम होती है, मतलब गरीबों को मदद की है, काम की है।
कौन कौन सी मदद की है गरीबों को? जी राशन दिया जी, अपने वो भी बनाया जी गरीबों के लिए, आयुष्मान कार्ड बनाया, आयुष्मान कार्ड बनाया, काम काफी किया। तो मोदी जी पसंद है जी? हाँ जी बिल्कुल। क्यों पसंद है जी मोदी का चेहरा? हाँ जी मोदी जी भाषण बहुत बढ़िया देते हैं जी। अच्छा। हाँ जी बहनों और भाइयों बढ़िया काम करते हैं जी, काम अच्छे किए हैं जी, काम अच्छे किए हैं। हाँ, तो आपके यहाँ पिछली बार तो कांग्रेस से शीशपाल कैरवाला जीते थे, तो इस बार लगता है कि यहाँ कमल का फूल खिल पाएगा? खिलेगा जी फूल खिलेगा। भोला सिंह जी का कहना है कि कमल का फूल खिलेगा। एक और मेरे साथ देखेंगे कि शख्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, सामने से दिखाइए कैमरामैन, सामने से दिखाइए, मेरा कैमरामैन है, दिखाएंगे छोटे छोटे क्यूट बच्चे आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ये दोनों बच्चे लड़का लड़की हैं, दोनों लड़कियां हैं, क्यूट क्यूट लड़की हैं। भाई आप भेदवाला गाँव से? तो नाम भाई क्या नाम? किन्नू। किन्नू नाम है मेरे, किन्नू किन्नू नाम है। किन्नू भाई क्या कहना चाहेंगे, युवा हो, क्या लगता है इस बार आपको क्या उम्मीद है सरकार की? सरकार की उम्मीद कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिला, कमल का फूल खिलेगा किन्नू जी का कहना है। तो किन्नू किन्नू भी आप खाते हो या नहीं? मौसमियाँ खाते नहीं। किन्नू कह रहे हैं मैं मौसमियाँ खाता, तो ऐत की बार इतने कमल का फूल खिलूगा।